दोस्तों, आप जब नया कंप्यूटर परचेज करते हैं या नया लैपटॉप परचेज करते हैं तो आपने उसमें देखा होगा कि जो हमारा विंडोज़ में इंस्टॉल होता है वो सी ड्राइव में इंस्टॉल होता है। ए और बी कहाँ जाते हैं, क्या है ए और बी का मैटर, वो होता क्यों नहीं है? या आप कभी सिस्टम बहुत दिन से यूज कर रहे हैं तो पता नहीं आपने कभी ये चीज़ सोचा है कि नहीं कि सी ड्राइव से ही स्टार्ट क्यों होता है। बी ए बी सी डी ई एफ जी बी, ये सारे लेटर्स जो हैं ये सब कहाँ हैं, यानी कि ये सी से ही शुरू क्यों होता है? तो इस जानकारी को आपको अगर जानना है कि ये ऐसा क्यों होता है तो आपको सबसे पहले तो ये वीडियो देखना होगा, और जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। मैं रवि वर्मा आपका स्वागत करता हूँ F1 टेक सपोर्ट में। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं विंडोज में जो ड्राइव होते हैं यानी कि हार्ड ड्राइव में जो पार्टीशन किए होते हैं वो सी ड्राइव से शुरू क्यों होता है। दोस्तों, आपको अगर याद नहीं हो या फिर अगर आप जानते नहीं हो तो पहले जो हम सिस्टम आते थे उसमें फ्लॉपी ड्राइव यूज हुआ करता था, उस समय हार्ड ड्राइव नहीं था। तो फ्लॉपी ड्राइव के बिना आप कोई भी प्रोग्राम रन नहीं कर सकते थे और डेटा कॉपी करने के लिए वही चीज़ यूज होता था। तो उस समय होता यह था कि फ्लॉपी ड्राइव एक तो बहुत कम MB का होता था जिससे आप बहुत ही कम डेटा स्टोर कर सकते थे। तो जब फ्लॉपी ड्राइव आया तो उस समय ए ड्राइव फ्लॉपी ड्राइव था हमारा। तो फ्लॉपी ड्राइव जब धीरे धीरे अपग्रेड हुआ तो उससे थोड़ा लेटेस्ट फ्लॉपी ड्राइव आया तो वो बी ड्राइव नाम उसके लिए सेलेक्ट हो गया, यानी कि ए और बी रिजर्व हो चुके हैं फ्लॉपी ड्राइव के लिए। उसके बाद थर्ड में हमारा हार्ड डिस्क जब आया तो वो ऑलरेडी सी बन गया, क्योंकि ए बी तो ऑलरेडी फ्लॉपी ड्राइव ने अपने लिए बाय डिफॉल्ट सेट करके रखा हुआ है। तो हार्ड ड्राइव जब आया तो वो सी हो गया, और उस समय के बाद फ्लॉपी ड्राइव एकदम से ख़त्म से हो गए क्योंकि वो उनका यूज उस टाइप का था नहीं। तो सी ड्राइव बन गया हमारा हार्ड ड्राइव। तो हार्ड ड्राइव सी ड्राइव बन गया तो उसके बाद से यानी कि फ्लॉपी ड्राइव का कहानी एकदम ख़त्म सा हो गया। तो फ्रेंड, आपको पता चल गया कि ए और बी और सी का मतलब। और अगर डी के बारे में आपको अधिक जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सी के बारे में आपको जानकारी तो मिल ही गया है तो उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लेकिन दोस्तों, अगर आप ये सोचते हो कि हम अपने ड्राइव का नाम ए और बी नहीं कर सकते तो ऐसा आप गलत सोचते हैं, क्योंकि हम जो है मैनुअली उसका नाम चेंज कर सकते हैं, यानी कि मैनुअली डिवाइस मैनेजर में जाके हम अपने ड्राइव का नाम लेटर जो है चेंज कर सकते हैं। ये ऑप्शन अवेलेबल है, यानी कि आप मैनुअली उसे ए बी सी डी ई कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट जब भी होगा तो ड्राइव सी ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और सबको बता देना F1 टेक सपोर्ट के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।